नमस्कार, बंसल डिजिटल पर आप सुन रहे हैं न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अवंतिका पांडे। आइए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। यूक्रेन मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा है कि यूक्रेन पर रूस का हमला कभी भी हो सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन को म्यूनिख में होने वाले सम्मेलन में भेजकर वैश्विक नेताओं को मास्को के प्रति एकजुट करने की घोषणा की। साथ ही अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो भारत अमेरिका का साथ देगा। अगली खबर है आरक्षण से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के निवासियों के लिए 75% आरक्षण संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। यूपी के कुशीनगर में शादी का माहौल गम में तब्दील हो गया। दरअसल जिले में बुधवार देर शाम एक भयंकर हादसा हुआ जिसमें बच्चियों सहित 13 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण करीब 2 वर्षों तक बंद रहने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित सारे कॉलेजों को आज से खोल दिया गया है। गौरतलब है कि संक्रमण के चलते दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजों को मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। संघ प्रमुख मोहन भागवत 19 फरवरी को उज्जैन आने वाले हैं, साथ ही वो 4 दिनों तक उज्जैन में रहेंगे। अगर आप भी अपने निजी वाहन से कहीं लंबा सफर तय करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने निजी वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए टोल टैक्स ना लेने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने टोल टैक्स संबंधी नीति में संशोधन किया है। इस फैसले के बाद अब टोल टैक्स बैरियर पर केवल कमर्शियल वाहनों से ही टैक्स वसूला जाएगा। अगली खबर है परीक्षा से जुड़ी हुई। जी हाँ, प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। पहले दिन 12वीं के अंग्रेजी पेपर से परीक्षा की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि करीब 17 लाख विद्यार्थी इस बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अगली खबर है बजट को लेकर। प्रदेश सरकार 8 मार्च से विधानसभा में अपना बजट पेश करने जा रही है। शिवराज सरकार वित्त वर्ष 2022-23 का बजट विधानसभा में पेश करेगी। इसके लिए 7 मार्च से 25 मार्च की तिथि तय की गई है। सूत्रों की माने तो इस बार 2500 करोड़ से अधिक का बजट पेश होने वाला है। जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और एमपीपीएससी बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बीते 31 दिसंबर को एमपीपीएससी ने रिजल्ट जारी करते हुए 2019 में बढ़े आरक्षण का लाभ देते हुए रिजल्ट घोषित किया था। रिजल्ट के बाद जनरल कैटेगरी की छात्रा निहारिका त्रिपाठी की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दलील दी गई थी कि कोर्ट में चल रहे बढ़े आरक्षण का मामला विचाराधीन है, कोर्ट की अनदेखी कर आरक्षण का लाभ दिया गया है। याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरक्षण मामले में कहा है कि पूर्व में दिए आदेशों के तहत ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा, यानी 14% ओबीसी आरक्षण देते हुए रिजल्ट दिया जाएगा। आदेश के साथ ही कोर्ट ने अतिरिक्त आरक्षण देने पर पीएससी और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। तो ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।